उदयपुर संभाग की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, जहां पर छात्र हैं अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पिछले 3 दिनों से जो छात्र हैं भूख हड़ताल पर हैं, क्या उनकी मांगें, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से बात करें कि विधानसभा चुनाव हुए हैं, लोकसभा चुनाव हुए हैं, और अब जो छात्र हैं छात्र संघ चुनाव का इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पिछले 3 दिनों से मंगलवार की शाम से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, यानी 48 घंटे से अधिक समय हो चुका है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा इनकी मांगे हैं अभी तक नहीं सुनी गई। क्या मांगे अविनाश आपकी है, किस तरह का भूख हड़ताल पर आप बैठे हुए? पहले पिछले 3 दिनों से जो भी मीडिया है और अखबार वाले हैं, वो जब जब हमारे पास आते हैं वो कॉन्स्टेंटली एक ही सवाल करते हैं, क्या मांगे हैं। हम आपको 3 दिनों से बता चुके हैं कि हमारी डिप्लोमा कोर्सेज की वोटिंग राइट की मांग है, जो कि यूनिवर्सिटी पूरी नहीं कर रही है और न हमसे बात कर रही है। आके हम लोगों को कम से कम 65 से ज़्यादा घंटे हो गए हैं पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए, भूखे पैसे बैठे हुए, पर हमसे कोई यूनिवर्सिटी प्रशासन बात करने को तैयार नहीं है, और मीडिया भी इस चीज़ को कवरेज करने को तैयार, पता नहीं क्यों मीडिया इस चीज़ को ढंग से कवरेज नहीं कर रहा है, वाइस चांसलर से बात क्यों नहीं कर रहा है, या फिर शहर में बहुत सारे और भी बड़े जिम्मेदार लोग हैं जिनसे आप जाके इस बारे में बात कर सकते हो कि 2 लोग जो हैं वो अपनी जान जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं और कुछ खा पी नहीं रहे हैं। अभी आज से 2 दिन बाद, आज से बस अब थोड़ी देर बाद में हम लोगों का हो जाएगा पूरा कोटा, हम लोग यहाँ अभी मूर्छित हो जाएंगे थोड़ी देर बाद में। अब हमारी सहन शक्ति ख़त्म हो रही है, और अगर हम लोग यहाँ पर अगर मरते हैं तो फिर उसकी पूर्णतः जिम्मेदारी वाइस चांसलर मैम की होगी। अविनाश, 65 घंटे आप बता रहे हैं, तो क्यों प्रशासन नहीं सुन रहा आपकी मांगों? वो प्रशासन जाने, वो वाइस चांसलर का अहंकार है। अब क्या है कि एक वो रावण था, बहुत शक्तिशाली था और बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित था, तो उसकी बहन बहुत अहंकार में घूमती थी, मेरा भाई मेरा भाई। वैसे मैम के भी घर परिवार में शक्तिशाली लोग हैं, तो मैम भी अहंकार में घूमती है, पर मैम को ये पता नहीं है कि कभी कभार क्या है कि तलवार की जगह सुई भी काफ़ी होती है बड़ा घाव देने के लिए, मौत दिखाने के लिए। तो कहीं की यूनिवर्सिटी की जो प्रशासन है उनकी हठधर्मिता? हाँ, बहुत अहंकारी, और मैम पता नहीं क्या किस घमंड में जी रही है कि बाहर उन्हीं की यूनिवर्सिटी को, ये इनकी यूनिवर्सिटी तो है नहीं पहली बात तो ये है। ये मैं अभी भी दोबारा मीडिया के माध्यम से हमारी यूनिवर्सिटी के स्थायी प्रोफेसरों से कहना चाहता हूँ, ये आप लोगों की यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर तो 6 महीने 9 महीने और 3 साल में यहाँ से चले जाते हैं, पर आप लोगों की यूनिवर्सिटी, हम लोग आपके बच्चे हैं। मैं DSW मैम, कल DSW मैम सीमा जलान मैम ने रिज़ाइन कर दिया, यहाँ पर वाइस चांसलर मैम गलत तरीके से लोगों के प्रमोशन कर रही है, जो इनके यहाँ चैम्बर में इनकी गुलामी करता है उनके प्रमोशन कर रही है, और लोग उसका उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी का पर्सनल डाटा लीक हो जाता है, मैम जिसको मर्जी हो उसको PhD एंट्रेंस के एग्ज़ाम के फॉर्म भरवा के उन लोगों को पास करवा रही है। तो ये मैम के अपने आप को ये संविधान से और इस यूनिवर्सिटी के ये लोकतंत्र से ऊपर समझती है क्या? आप बताएं शुमान जी। मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ भैया कि आप हमको कम से कम 70 घंटे होने वाले हैं, 12 बजे 70 घंटे हो जाएंगे हमको। मैं आपसे एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैम इतनी जिद भी क्यों करनी यार। 2014 में जब वो डिप्लोमा राइटिंग्स बिल्कुल चालू थे राइट्स उसके, उसके बावजूद भी आपको ये चालू करने में क्या जोर आ रहा है? यानी ये बताइए किसका दबाव है आपके ऊपर यार, या फिर ये डिप्लोमा के वोटिंग्स चालू होने से आपके दांदिया के ऊपर से यार उजागर हो जाएगी? ऐसी बात है क्या? स्टूडेंट अच्छी लीडरशिप आएगी तो आपके दांदिया उजागर करेंगी, इस बात का डर है तो भी बता दीजिए यार आप। 65 घंटे हो चुके हैं ना सर, देखो क्या हम लोग हमारी मांग मांग के जाएंगे, या तो हमारा नोटिस लेके जाएंगे या तो फिर हमारी लाशें जाएंगी यहाँ से। देखिए, जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रशासनिक भवन है यहाँ पर डिप्लोमा के जो छात्र हैं उनको मताधिकार का उपयोग करने के लिए जो छात्र हैं हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और कुछ छात्र हैं जिनसे भी हम बात करेंगे, दो अलग अलग गुट हैं जो यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। दूसरा गुट भी भूख हड़ताल पर बैठा हुआ पिछले 24 घंटे के करीब हो चुके हैं। जिस तरह से लगातार यूनिवर्सिटी में एक ट्रेंड बन गया है कि अपनी मांगें मनवाने के लिए भूख हड़ताल करो। मांगे मनवाने के लिए तो भूख हड़ताल की तो कोई बात नहीं है, हमें तो छात्र हितों के लिए काम कर रहे हैं, भूखा रहना तो किसको पसंद है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं क्योंकि ये तो हमारे छात्रों के लिए है हमेशा, और पिछले बार भी की है भूख हड़ताल,
2023 में भी की है और इस बार भी कर रहे हैं, क्योंकि वो यूँ इसमें यूँ है कि कोई अगर कोई भूखा रहे ना, किसी को पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं क्योंकि एक जज्बा है छात्र हितों के लिए काम करने का, ठीक है। और ये भूख हड़ताल पहले भी की और इस बार भी कर रहे हैं क्योंकि काम होना चाहिए मेरे छात्रों का। क्या है आपकी, क्या होना चाहिए, क्या मांगे हैं प्रमुख है? पहली मांग तो हमारी ये है कि विश्वविद्यालय और कला महाविद्यालय दोनों को लाइब्रेरी का टाइम बढ़ाया जाए। जो मेरे भाई बहन हैं कला महाविद्यालय के, वो टाइम पे मतलब उनको थोड़ा टाइम की और ज़रूरत है जिससे लाइब्रेरी का टाइम बढ़े और वो अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर सके। दूसरी मांग ये है कि प्रवेश शुल्क हर वर्ष 10% बढ़ा दिया जाता है, उसे थोड़ा सा कम किया जाए जिससे गरीब छात्र जो आते हैं, या सुखाड़े विश्वविद्यालय में सब मध्य वर्ग के लोग आते हैं, मध्य परिवार के बच्चे पढ़ने आते हैं, उनके अगर फीस में थोड़ी बहुत भी कमी होगी तो उन पर बाहर नहीं आए, ये मेरी मांग है। और तीसरी मांग ये है जो NEP के तहत न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लगाई है सरकार ने, उसके तहत पाठ्यक्रम है जो सिलेबस है उसकी बुक्स अभी विश्वविद्यालय और कला महाविद्यालय दोनों में नहीं है, तो उनकी बुक्स की जल्दी से जल्दी व्यवस्था की जाए जिससे सभी छात्र यहाँ से बुक्स लेके पढ़ सके, उन्हें बाहर से किताबें लाके जो अतिरिक्त पैसों का शुल्क है वो नहीं देना पड़े और यहाँ से पढ़ के यहीं पर जमा करा जाए। ये मेरी तीनों मांगे हैं और जब तक ये मांगे नहीं मानी जाती तब तक मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर रहूँगा, और जो अगर मेरे कुछ भी होता है इसकी समस्त जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की रहेगी। बात हुई क्या आपके प्रशासन की? अभी तक तो कोई नहीं आया है विश्वविद्यालय प्रशासन हमसे बात करने के लिए, अब जब भी आए तब बता क्या मांग को लेकर बैठे हैं, क्योंकि लगातार दो अलग अलग गुट, एक जो तीन दिन से हड़ताल पर बैठे हैं, आप कल से हड़ताल पर बैठे हैं। जी हड़ताल पे तो ऐसा है कि छात्रों की मांगों को लेकर हम हमेशा सत्य तत्पर हैं, और इस बार भी मेरे भाई समीर मेघवाल लगभग 24 घंटे होने आए हैं, तो जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं होगी अनशन पर बैठे रहेंगे, और मैं से भी जो हो पाएगा हम भी करने प्रयत्न करेंगे। देखिए लगातार जो गुट हैं, जो छात्र हैं, वो हड़ताल पर बैठे, वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि एक जो गुट है उनका कहना है कि जो डिप्लोमा से जुड़े छात्र हैं उनको कहीं कि अपने मताधिकार का प्रयोग मिले, और दूसरे जो आर्ट्स कॉलेज से हैं इनमें इनकी मांगे हैं कि लाइब्रेरी से जुड़ी हो, या फिर ऐसी मांगे जिनको लेकर बैठे हुए, लेकिन अभी तक जो यूनिवर्सिटी प्रशासन उनसे अभी तो कोई वार्ता नहीं हो पाई है। TV9 के लिए राजेश डांगी।